Welcome viewers to the another exciting episode of Bazaar Bites with Sunil Minglani. So Sunil ji, today हमारे पास ऐसे बहुत सारे questions आए. सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा stocks पे चर्चा के exciting शुरुआत के लिए. बहुत ही जबरदस्त response रहा, so thank you very much और for this overwhelming response that we got from the investors. सो डे ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल है हमारा. इंट्रा डे ट्रेडिंग जो करते हैं खासकर उनके लिए ये सवाल है कि बहुत बार देखा है कि जो इंट्रा डे ट्रेडर्स होते हैं दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस व्हेन दे आर ट्रेडिंग थ्रू आउट द डे, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग द डे टू यू नो क्लोजिंग ऑफ द डे. तो कई बार हर आदमी तो पैसे बनाने के लिए ही मार्केट में बैठा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस लॉसेज आ जाते हैं उसको मल्टीपल डेज पे, या उसको बहुत बड़े लॉस का somehow is not able to maintain those that discipline और उसको वो एक emotion से गुजरना पड़ता है which can be like frustrating or irritability or you know not getting along with the you know his family members. तो ऐसी situation में जो day traders होते हैं कैसे वो अपनी emotions को manage करें? Emotions जैसे बोला आपने, देखिए intraday trading के अंदर जो भी trader involved हैं उनको एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि उनको डे ट्रेडिंग जब वो कर रहे हैं उनको इमोशन को मारना आना चाहिए. आपको बिल्कुल रोबोट की तरह ट्रेड करना है, जैसे एक रोबोट ट्रेड करता है. आपके मन में कोई इमोशन नहीं होने चाहिए. आपने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया है वहीं पे ही आपको ट्रेड काटना है. ये नहीं है कि देख लेता हूँ सर, हो सकता है मेरा रेट आ जाए, हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता है चीज़ें बदल जाएं. इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी परेशानी सुमित जी क्या होती है कि वो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हमारे जो इमोशंस हैं उनको ख़त्म तो हम नहीं कर पाते. तो वो ट्रेडर की सबसे बड़ी अड़चन है, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है उसके सामने कि वो अपने इमोशंस उसके आगे आ जाते हैं ट्रेडिंग के टाइम. और ट्रेडिंग के टाइम इतने छोटे टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इमोशनल होके काम करोगे तो आप सूनर लेटर मार्केट से बाहर हो जाओगे. हमने जब इंट्राडे के बारे में यहां बोला था कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसान नहीं है, उसका एक कारण यह भी है कि इमोशंस को हैंडल करना हर एक के बस की बात नहीं होती. तो आपने जैसा कहा कि इमोशंस आगे आ जाते हैं, मेरा यह कहना है कि इमोशंस को मारना है आपको. अगर आप एक्चुअल में इंट्राडे की आप चाहते हैं ट्रेडिंग करना, इमोशंस को खत्म कर दीजिए अपने. आप ये सोचिए कि मैं रोबोट हूं, ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, कुछ भी हो जाए चाहे मेरे को यहां से इस स्टॉप लॉस पे बाहर निकलना है या इस टारगेट पे बाहर निकलना है, बाकी सब कुछ भूल जाइए आप. बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आमतौर पर जितने भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जितने भी यू नो एडवाइस अवेलेबल है दे आर ऑल फोकसिंग ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, क्या चीज किस तरह से स्टॉक को आइडेंटिफाई करें. बट आई थिंक जो इमोशंस वाला जो पार्ट है जिसको मैनेज करना बहुत ये मैरिड है इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ कि कैसे वो इमोशंस, चाहे वो इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं, विशफुल थिंकिंग या हाई एक्सपेक्टेशंस या फीलिंग ऑफ लॉस फ्रस्ट्रेशन, इनको इसके ऊपर बहुत एक जरूरी मतलब ये एक इंट्राडे ट्रेडर की के करियर में बहुत बड़ा ये एक इमोशनल एक क्वेश्चन जिसे कहेंगे कि बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है. तो सुनील जी, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक टिपिकल इंट्राडे ट्रेडर ऐसे क्या आप रूल्स, ऐसे वो क्या आप वो टैलिस्मा दोगे जिससे इंट्राडे ट्रेडर्स उसका सहारा लेकर, क्योंकि वो रोबोट तो बन नहीं सकते, एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बिल्कुल, ऐसे क्या आप गोल्डन रूल्स उनको बताएंगे जिसका सहारा लेके वो दे कैन ट्रेड एंड दे कैन बी इमोशनली मोर बैलेंस्ड? देखो, अगर आप इमोशन को मार नहीं सकते तो अपनी एक रूल बुक बना लीजिए. मेरा हमेशा सबको यही सलाह होता है कि अपनी एक रूल बुक बनाइए. आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने कुछ रूल आप डायरी पे लिख लीजिए और रोज सुबह ट्रेडिंग करने से पहले उस पे हाथ रख के कसम खाइए कि इसको मानूंगा ही मानूंगा. जैसे कोर्ट में वो कहते हैं ना कि हाथ रख के कसम खाओ, जो कहूंगा सच के अलावा, जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, तो इट इज लाइक अ इंट्राडे ट्रेडर्स ओथ. आग पे हाथ रख के कसम खानी है कि मैं इन रूल से बाहर नहीं जाऊंगा. अपने लिए आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जो मुझे समझ में आती है मैं आपको यहां बता रहा हूं. देखो, सबसे पहला रूल बनाओ अपने लिए
और आप चाहें तो इनको डायरी पे भी लिख सकते हैं अपने। सबसे पहला रूल, आपको लिक्विड स्टॉक्स में काम करना है, इन लिक्विड स्टॉक में काम नहीं करना है। लिक्विड स्टॉक का मतलब है कि जिसमें बाइंग सेलिंग के रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, जिसकी डेप्थ बहुत अच्छी है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि इन लिक्विड स्टॉक में चले जाते हैं, उसमें बाइंग सेलिंग रेट में इतना डिफरेंस होता है कि इंट्राडे में अगर आपको आधे घंटे बाद भी सौदा काटना पड़ा तो आपका गैप इतना बड़ा है, 5-5 रुपए नीचे बायर सेलर खड़ा हुआ है, आपको ट्रेड में से खाली एंट्री एग्जिट के अंदर 2-4 रुपए लग जाते हैं। आपको वो स्टॉक ढूंढना है जिसमें डेप्थ बहुत अच्छी है, जिसके अंदर लिक्विड है बहुत स्टॉक वो, और उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरह की चाल आ रही है। इंट्राडे ट्रेडर का सबसे पहला रूल क्या है कि उसके अंदर कोई चाल होनी चाहिए, वो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। खड़े हुए स्टॉक, इन लिक्विड स्टॉक से आपको दूर रहना है। इंट्राडे ट्रेडर का सबसे पहला रूल है कि कहीं हिलेगा तो हमें कुछ मिलेगा। वाह, जो खड़ा हुआ है उसमें हमें क्या मिलेगा? अगर हिलेगा तभी तो कुछ मिलेगा। तू ऊपर जा, तू नीचे जा, लेकिन जा खड़ा मत हो। स्टॉक वो चाहिए जो हिल रहा है कहीं, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है। तो रूल नंबर वन, अगर ये हिलेगा तभी हमें कुछ मिलेगा। तो ये लिख लीजिए व्यूअर्स कि जब हिलेगा तो हमें मिलेगा। रूल नंबर वन, ट्रेड ओनली इन लिक्विड स्टॉक्स। दूसरा आपका जो रूल है, जो आपको मानना है, आपको रोज सुबह जब आप ट्रेडिंग करने बैठे तो एक कसम खाइए कि मैं हमेशा छोटी क्वांटिटी में काम करूंगा। छोटी क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जो आपके लिए छोटी है, मेरे लिए छोटी नहीं है, दूसरे किसी से कोई लेना देना नहीं है आपका। हो सकता है आपके लिए 2 लॉट छोटे हों, किसी के लिए 20 लॉट छोटे हों, लेकिन आपको अपने लिए एक रूल बनाना है कि मैं हमेशा छोटा जो ट्रेड डालूंगा, ताकि उसमें आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। एक रूल मैं आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम इंट्राडे की ट्रेडिंग में जी हाँ सबसे बड़ी आती है जब आप ओवर काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम काम करने की कोशिश करते हैं इंट्राडे के अंदर और हमें लगता है ये स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, या हमें कहीं से कुछ मिल गया, हमें पता चल गया ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, चार्ट में कोई इंडिकेटर आ गया, वहां पे एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। जब भी आप एक्साइटमेंट में क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपनी इंट्राडे में, खास तौर से मैं आपको बता रहा हूं, आपका ट्रेड वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप उसमें लॉस करके बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब आप क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं तो वो स्टॉक जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल आपके हिसाब से चलेगा, वो कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और जैसे ही वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, आपकी क्वांटिटी अपनी लिमिट से ज्यादा है, वहां पर वो आपको एग्जिट करा देगा, क्योंकि आपको लॉस का साइज बहुत बड़ा दिखेगा। आप अगर 10,000 रुपए का लॉस ले सकते हैं, आपको वो इंट्राडे के अंदर ही 1 घंटे में 40,000 का लॉस दिखाना शुरू कर देगा और आप पैनिक में निकल जाओगे वहां। और जैसे आप पैनिक में निकलोगे उसी समय वो स्टॉक वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो रूल नंबर टू, ऑलवेज हमेशा आपको छोटा ट्रेड लेना है, उतना जिसको आप संभाल सको। कोई भी एक्साइटमेंट हो, कितना भी कन्विक्शन हो, कितना भी अच्छा चार्ट हो, क्वांटिटी कभी भी नहीं बढ़ानी आपको, कभी भी नहीं बढ़ानी आपको। और तीसरा रूल है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। आप सुबह हाथ रख के कसम खाइए कि मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करूंगा इंट्राडे में जाने से पहले। इंट्राडेज ट्रेडर्स ओथ, इंट्राडे ट्रेडर ओथ, ये अच्छा मार दिया आपने इनको। आपको कसम खानी है कि मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करूंगा कभी भी। जो ट्रेड लिया है उसके अंदर अपना एक सिस्टम बनाइए कि हमेशा 2 ट्रेड एक साथ जाने चाहिए, 1 ट्रेड एक साथ नहीं जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे 2 ट्रेड एक साथ कैसे जाने चाहिए? नेक्स्ट सवाल था कि ये 2 ट्रेड का क्या मतलब है? ये डबल ट्रेड रूल है, इसको इंट्राडे में कहा जाता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। डबल ट्रेड रूल का मतलब ये है कि एक साथ एक ही समय पे आपका ट्रेड जो आपने लिया है और स्टॉप लॉस का ट्रेड एक साथ जाना चाहिए। आपके सिस्टम में जैसे ही आपने बाय या सेल किया, नेक्स्ट ट्रेड आपका स्टॉप लॉस का होना चाहिए, जो आप स्टॉप लॉस का ट्रेड डाल के सिस्टम में छोड़ेंगे। आपका स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। लोग कहते हैं सर हमने दिमाग में रखा हुआ है, हमने 300 का स्टॉक लिया है और हमने 290 का स्टॉप लॉस रख लिया, वो हमारे दिमाग में है। नो, इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस ऑलवेज सिस्टम में होना चाहिए, दिमाग में नहीं, क्योंकि दिमाग का स्टॉप लॉस दिमाग में रह जाता है। स्टॉक वहां तक आता है
और उसके बाद आप सोचते हो चलो 2 रुपए और देख लेता हूं, चलो 1 रुपए और देख लेता हूं, लेकिन वो स्टॉक वहां से रुकता ही नहीं है। आपको डबल ट्रेड सिस्टम अपनाना है, दोनों ट्रेड जो आपने लिया है वो और स्टॉप लॉस दोनों ट्रेड एक साथ डालने हैं आपको, एक साथ। तो इसका मतलब ये है सुनील जी कि जैसे डबल ट्रेड आपने बोला तो दूसरा जो ट्रेड है वो लिमिट ऑर्डर के ऊपर, बिल्कुल स्टॉप लॉस ऑर्डर जिसको बोलते हैं, जो ट्रेड करते हैं वो जानते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर जाएगा, आपका लिमिट ऑर्डर होता है कि अगर वो स्टॉक उस रेट तक आया जो आपका स्टॉप लॉस है तो वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा आप सिस्टम के सामने। तो आपको वहां पे टोटली डिसएसोसिएट होना है, जब भी आपको ट्रेड डालना है स्टॉप लॉस ट्रेड साथ में डलेगा, ये गोल्डन रूल नंबर 3 है। अब सुनील जी हम आपसे बात करेंगे गोल्डन रूल नंबर 4। गोल्डन रूल तो पता नहीं है या नहीं है लेकिन रूल जरूर है। एक सबसे बड़ा रूल ये है कि जितना आपने सोचा हुआ है कि मुझे प्रॉफिट आना चाहिए उतना प्रॉफिट आते ही मार्केट से बाहर हो जाओ। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे 5,000 कमाने हैं, 7 कमाने हैं, 10 या 50,000 जो भी कमाने हैं आपको, आपके दिमाग में एक फिगर है कि मैं इतना चाहता हूं अपने इंट्राडे के ट्रेड से, आप वहां से बाहर हो जाइए। उसके बाद आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए, उसके बाद देखिए मत स्क्रीन को। आप स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे तो जितने पैसे आपने कमाए हैं वो सारे के सारे पैसे आपसे वापस ले जाएगा। सुमित जी मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोग ये शो देख रहे हैं उसमें से जितने इंट्राडे के ट्रेडर हैं मैं ये जो बात बोल रहा हूं वो जानते हैं, उनको आज ये मालूम चल रहा होगा कि ऐसा उनके साथ रोज होता है। आप कई बार सुबह आते हैं ट्रेड डालते हैं आपको कुछ पैसा आता है, 5-10 हजार 20 हजार जो भी जिसकी है ट्रेड का साइज आपको पैसा आता है, लेकिन फिर होता क्या है आप फिर बैठे रहते हैं मार्केट में, बैठे हैं देख रहे हैं आप, स्क्रीन बुला लेगी आपको वापस, आपको स्क्रीन फिर बुला लेगी, वो फिर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाएगी आपको, उसके बाद आप रुक नहीं पाओगे और फिर आप ट्रेड डालोगे और मैं आपको एक बात बताऊं फिर वो ट्रेड आपका गलत जाएगा क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट हो। आप नोट कीजिए जब आप पहले बार पैसा कमा चुके हैं सुबह आते ही 1-2 घंटे में ट्रेड डाला कुछ पैसा आया, स्क्रीन में से हट जाओ, काम मत करो। उस दिन लास्ट ट्रेड होना चाहिए वो आपका जिसमें पैसा आ गया आपको, वॉकआउट, निकल जाओ वहां से, पिक्चर देखने चले जाओ, घूमने चले जाओ, वो जो पैसा है उसको खर्च करो, खाओ पियो कहीं कुछ भी करो, स्क्रीन के आगे मत बैठो। एक्सीलेंट एडवाइस, स्क्रीन के आगे मत बैठो, निकल जाओ वहां से बाहर, क्योंकि वहां बैठे तो वो स्क्रीन सारा वापस ले लेगी, आपको अट्रैक्ट कर लेगी। सर मैंने यहां पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं खुद दूसरों की बात क्या करूं, मैं खुद सुबह पैसा कमा लिया आ गया, उसके बाद कई बार ऐसा होता था हमारे साथ, आजकल तो नहीं होता, कई बार ऐसा होता था हमारे साथ कि सुबह जितना कमाया 4-4 गुना दे के हम वापस 3:30 बजे उठते थे, 4-4 गुना जितना कमाया वो भी गया, उसके अलावा 2-3 गुना और गया जेब से। और जो ये लोग देख रहे हैं वो जानते हैं, और ये कोई रूल्स किसी भी बुक से या किसी हमने मीडियम से नहीं, ये इनके एक्सपीरियंस से इंट्राडे ट्रेडिंग करने के सेवरल इयर्स के बाद ये रूल्स आए हैं जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और इनको बहुत ही आपको एडहेयर करना है डिसिप्लिन के साथ। सो गोल्डन रूल नंबर 4 सुनील जी आपने बताया कि इफ यू हैव वन वॉक आउट, डोंट कीप स्टेयरिंग एट द स्क्रीन, जस्ट लीव द ट्रेडिंग डेस्क, जस्ट लीव द रूम। सो सुनील जी व्हाट इज योर रूल नंबर 5? Lose less and walk out. इसका बिल्कुल एकदम बिल्कुल उल्टा, जैसे हमने कहा आप कुछ पैसा आ जाए तो छोड़ दो स्क्रीन, ऐसे ही अगर कुछ चला जाए तो भी छोड़ दो, डोंट ट्राई टू रिकवर दैट। हाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहते सर कोई बात नहीं मेरा 5-10 हजार का लॉस हुआ ना मैं आज ही इसको रिकवर करूंगा, नहीं कर पाएंगे सर रिकवर। उस दिन जिस दिन आपका पहले 1-2 घंटे के अंदर काम करते हुए लॉस हो गया है, आप शाम को उठेंगे आप देख लीजिएगा, जितने लोग मैं फिर बोल रहा हूं जो देख रहे हैं वो जानते हैं इस बात को, आप शाम को उठेंगे उससे 4 गुना ज्यादा लॉस करके उठेंगे, क्योंकि वो दिन ठीक नहीं है आपका, उस दिन आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, उस दिन आपकी स्टॉक सिलेक्शन शायद सही नहीं है, हट जाओ वहां से, उस दिन छोड़ दो, जो लॉस हो गया छोड़ो, ट्रेड मत करो उस दिन, उस दिन स्क्रीन के आगे मत बैठो। पहले 1-2 घंटे में ट्राई किया आपने, 1-2 स्टॉक चुने, लॉस हो गया आपको, उस दिन ट्रेड मत करो, सिर्फ बाहर जाओ घूमो, लेकिन स्क्रीन के आगे मत बैठो, स्क्रीन छोड़ दो बिल्कुल।
आप जब भी ये डिसिप्लिन अपनाते हैं, आप देखना शुरू करेंगे इंट्राडे के अंदर आपके लॉसेस होने कम हो जाते हैं, और जब लॉसेस होने कम होते हैं ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये रूल कहीं पे लिखे हुए नहीं मिलेंगे जैसे सुमित जी ने कहा, ये एक्सपीरियंस है जो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं आपसे। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये हर उस ट्रेडर के साथ हुआ है जो इंट्राडे के अंदर ट्रेड करता है। और एक रूल और है कि आपको कभी भी लूजिंग साइड में एवरेज नहीं करनी है, कभी भी लूजिंग साइड में एवरेज नहीं करनी है। Never catch a falling knife. लूजिंग साइड में एवरेज करने का मतलब, आपने एक स्टॉक लिया 300 रुपए का एक स्टॉक, वो स्टॉक 5 रुपए नीचे आ गया, आपने कहा 295 का हो गया, थोड़ा और ऐड कर लेता हूं, उसके बाद वो स्टॉक 3 रुपए और नीचे आ गया, आपने कहा थोड़ा और नीचे आ गया, थोड़ा और ऐड कर लेता हूं, एवरेज मेरी बीच की हो जाएगी। आपको इंट्राडे में लूजिंग साइड में कभी भी एवरेज नहीं करनी है, हमेशा आपको अपर साइड में, जो आपकी साइड है, अपर साइड का मतलब जरूरी नहीं है आपने बाय का ट्रेड लिया, हो सकता है सेल का ट्रेड लिया, जो आपकी साइड है आपको उसी साइड के अंदर एवरेज बनानी है तो आप बना सकते हो। आपने एक शेयर लिए, आपने 500 शेयर उठाए, आपको लगा अब ये स्टॉक ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, वहां आप और ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर वो शेयर आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा आपको वहां पे बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ अपने स्टॉप लॉस का वेट करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वहां से आपको बाहर निकलना है, लेकिन कभी भी आपको लूजिंग साइड में एवरेज नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। तो आपने ये बताया था रूल नंबर 6, नाउ वी विल मूव ऑन टू रूल नंबर 7। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि मार्केट में जब आप बैठे हो तो आसपास की नॉइस आपको बहुत परेशान करेगी। आसपास की नॉइस का मतलब है टीवी देख रहे हो आप, न्यूज़ सुन रहे हो आप, किसी से फोन पे बात कर रहे हो आप, आपको वो नॉइस जो है आपके ट्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपने अपना ट्रेड लिया है, एक डिसिप्लिन से लिया है, एक चार्ट देख के लिया है, लेकिन जब आप टीवी देख रहे हो, टीवी पे कोई एनालिस्ट आ रहा है, वो बता रहा है ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है, आपने बाय कर रखा है वो स्टॉक, वो कह रहा है ये नीचे जाने वाला है, उसके बाद अगर वो स्टॉक 1 रुपया भी नीचे गिरेगा ना सर, आपके डाउट आ जाएगा, पता नहीं मैं ठीक हूं नहीं, क्योंकि वो तो इतना बड़ा एनालिस्ट है, वो तो टीवी पे आया हुआ है, वो ठीक होगा, मैं गलत हूं, आप स्टॉक काट दोगे। आप नॉइस को कट कीजिए इंट्राडे के अंदर, बहुत बड़ा काम है ये, आप नॉइस को कट कीजिए। किसी दोस्त का फोन आता है, किसी और ट्रेडर का फोन आता है, चलो बात कर लेते हैं, मत बात कीजिए, उसको बोले बाद में फोन करेंगे। अपना काम करो पहले, आराम से अकेले में बैठ के अपना काम कीजिए, अपने फोकस कीजिए, ट्रेड पे फोकस कीजिए। जब आपका वो ट्रेड स्क्वायर हो जाए उसके बाद आप जो मर्जी करो, लेकिन उस समय नॉइस को काटना आना चाहिए आपको। अगर कोई टीवी पे बोल भी रहा है और आप सुन भी रहे हो, उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। आपने अपना ट्रेड अपने सिस्टम के हिसाब से लिया है, और जरूरी नहीं है वो जो एनालिस्ट है वो हमेशा ही ठीक निकला है, वो गलत भी हो सकता है। आपको अपने डिसिप्लिन पे कायम रहना है और किसी की भी बात नहीं सुननी है उस दिन कम से कम। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट जो हमारा जो रूल है वो ये कि कोई भी दिन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप बैठे हो तो आप ये मत सोचो कि ये दिन अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट दिन है। आज का दिन कल की एक्सटेंशन है, आज का दिन उससे पिछले दिन की एक्सटेंशन है। जब भी वो दिन में आप काम कर रहे हो तो पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिछले दिन का बिहेवियर आज पे असर डालेगा। इसलिए आज के दिन को आइसोलेटेड मत मान लीजिए कि आज का दिन इंडिपेंडेंट है। कई बार मैं देखता हूं एनालिस्ट आते हैं कि टीवी पे बोलते हैं आज के दिन ये काम करना चाहिए, कल की कोई बात ही नहीं हो रही, कल की कोई बात ही नहीं कर रहा कि कल स्टॉक ने क्या किया था। जो कल किया था आज उसके ऊपर उसकी छाया, उसकी शेडो आएगी जरूर। कल का जो उसका बिहेवियर था आज वो उसको रिपीट कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी दिन इंडिपेंडेंट नहीं होता, उस पे कल का असर जरूर आएगा। ये कुछ रूल ऐसे हैं जिनको अगर आप मान लेते हैं, जिनको अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, तो एक बिहेवियर करते करते, बार बार इस पे अप्लाई करते करते, ये रूल आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाएंगे और आप एक रोबोट की तरह ही हो जाएंगे कि मुझे ऐसे ही काम करना है। उसके बाद इंट्राडे में पैसा बनाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, और लॉस होने काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये रूल जरूर ध्यान रखने हैं।
अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपका कुछ भला हो जाए टाइम के बाद। बहुत ही बढ़िया आपने बताया। एक और सुनील जी इसका रूल है जो आपने शायद नहीं बताया, और वो रूल ये है कि फॉलो दीज रूल्स। वो तो ऑब्वियसली कि फॉलो करना है, तो आपको खाली लिखना नहीं है, उसको फॉलो करना है और रोज पढ़िए। जिस चीज को बार बार रीड करते हैं ना आप सुमित जी, वो चीज ना आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। आई थिंक गुड बिहेवियर विल बिकम हैबिट। और ये दीवार पे जहां पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको आप चिपका दो, क्योंकि ये चीज आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि ये वो मंत्र है जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर डेफिनेटली आपको लॉसेस से बचाएगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। बिकॉज क्योंकि ये वो मंच है जिसके ऊपर हम वो बात करना चाहते हैं, जो रियल प्रैक्टिकल लॉस सेविंग टेक्निक्स हम बता रहे हैं, लॉस सेविंग, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं, लॉस सेविंग टेक्निक्स। बिल्कुल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? तो ये 9-8-9 रूल है, ये हमारे वीडियो पे साइड में भी आ रहे हैं, आप साइड में इनको नोट कर सकते हैं पॉज करके, और इनको लिख के रखिए अपने पास, इनको रोज रीड कीजिए। जब आप इनको रीड करते रहेंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे और फायदा ही होगा आपको। तो बहुत ही बढ़िया आपने एडवाइस दी, और जो इसका इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग है, आई होप व्यूअर्स यू विल टेक केयर ऑफ दीज फेसेट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो एंड फॉलो सुनील जीज एडवाइस। इसको एज आप ओथ मान के चल सकते हैं कि यू नो इंट्राडे ट्रेडर्स ओथ, और ये फॉलो करने हैं। एंड 9 गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, 9 गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, इसको जरूर फॉलो करो। और आपको इन रूल्स से एसोसिएटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर छोड़ें, एंड वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक टू यू एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस माइंड ओपनिंग यू नो एपिसोड ऑन द यू नो काइंड ऑफ रूल्स फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। इसको जरूर फॉलो करें और देखते रहें हमारा बाजार बाइट्स चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। थैंक यू।